Hello, dear student. This is Swati Rajput, your SST teacher. In this video, we will continue our Geography chapter three: Motions of the Earth. In this video, we will discuss about summer solstice and winter solstice. So let's start. Hello, dear all welcome to our channel smart indian model school smart indian model school presents smart indian edufun classes edufun online classes includes course studies of play group to class 12 emotional and communication skills happiness classes and diy activities on 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the Sun as the South Pole tilts toward it. As the Sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23.5 degrees uh, south, a larger portion of the Southern Hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the Southern Hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the Northern Hemisphere.

ट्वेंटी टू दिसंबर को जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है ठीक है जो हमारा साउथ पोल है आ, वो सन की ओर झुका हुआ होता है मतलब ये हिस्सा सन के सामने आ रहा है फ्रंट में आ रहा है ठीक है तो इस वजह से अब सन की जो रेज़ है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर पर डायरेक्ट ना पड़कर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर डायरेक्ट पड़ती हैं ठीक है थीके? ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ये आपका इक्वेटर है ठीक है तो अब जो सन रेज़ है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन पर डायरेक्ट पड़ती है ठीक है इसलिए कि जब सन की रेज़ डायरेक्ट पड़ती हैं ऑफ कैपिकॉन पर तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है इसके बहुत बड़े एरिया में लाइट रिसीव होती है ठीक है जो सन लाइट है वो रिसीव होती है इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो डेज़ हैं वो लंबे होते हैं लॉन्गेस्ट होते हैं और जो रातें हैं वो शॉर्ट होती हैं और यहाँ पर समर सीजन होता है ठीक है हमने ट्वेंटी फर्स्ट जून को देखा था कि नदन हेमिसफेयर में समर सीज़न होता है ठीक है बट ट्वेंटी टू दिसंबर को हम देखेंगे तो यहाँ पर सदन हेमिसफेयर में विंटर सीज़न होता है यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होता है ठीक है अब सेम आ, जैसे यहाँ पर अपोज़िट था ऐसे ही जब सदर्न हेमिसफेयर में यहाँ पर विंटर होती है तो इस टाइम जब नदन हेमिसफेयर पर यहाँ पर सनलाइट रिसीव नहीं होती है ठीक है सनलाइट कम रिसीव होने की वजह से नदन हेमिसफेयर में क्या होती है विंटर्स होती हैं ठीक है ठंड होती है uh, अर्थ की ये जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट जून को हमने पढ़ा था इसको हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं ठीक है और ये जो ट्वेंटी टू दिसंबर वाली टाइम जो होता है ये जो पोजीशन होती है जब सन रेज आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पड़ती हैं तो इस पोजिशन को हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं आ, बच्चों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो समर uh, सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है ओके okay? uh, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो आपका इधर समर सॉरी सदर्न हेमिसफेयर में पड़ता है और सदर्न हेमिसफेयर में ट्वेंटी टू दिसंबर से uh, जो है आपका समर सीजन स्टार्ट हो जाता है तो इसीलिए वहाँ पर जो क्रिसमस है वो समर्स में सेलिब्रेट किया जाता है ओके okay? ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च एंड सेप्टेंबर ट्वेंटी थर्ड डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ड टूवर्ड द सन सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इज इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स दिस इज कॉल्ड इक्विनक्स इट मीन्स स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से फिगर देखते हैं और समझते हैं कि इक्विनक्स कौन सी पोजिशन होती है हमारे अर्थ की स्टूडेंट्स लुक एट द फिगर देखिए हम अब बात करेंगे ट्वेंटी फर्स्ट मार्च और ट्वेंटी थर्ड सेप्टेंबर ठीक है तो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च और ट्वेंटी थर्ड सेप्टेंबर को जो सनरेज है वो डायरेक्ट आपके इक्वेटर पर पड़ती हैं ठीक है ठीके? ये आपका इक्वेटर है और ये इधर आपका इक्वेटर है तो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं ठीक है इस पोजीशन में कोई भी पोल ठीक है ना साउथ पोल नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ड होता है झुका हुआ होता है तो इसीलिए पूरी अर्थ पर इस टाइम पर जो डे और नाइट है वो इक्वल होते हैं ठीक है इसीलिए इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है ऑन ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर इट इज ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमस्फेयर Uh, अगर हम फिगर uh, को एक बार फिर से देखें तो ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर को नदन हेमिसफेयर में ऑटम सीजन होता है और आपका सदर्न हेमिसफेयर में स्प्रिंग सीजन होता है ओके द ऑपोजिट इन द केस ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च वैन इट इज स्प्रिंग इन नदन हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन सदर्न हेमिसफेयर और ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को इस ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर का जस्ट अपोजिट होता होता है uh, क्योंकि इस टाइम पर नदन हेमिसफेयर में uh, हम देखते हैं तो नंदन हेमिसफेयर में स्प्रिंग सीजन होता है और सदर्न हेमिसफेयर में ऑटम देखिए इसका जस्ट अपोजिट है ट्वेंटी थर्ड को यहाँ नदन में ऑटम है और यहाँ नदन में स्प्रिंग है यहाँ सदर्न में स्प्रिंग सीजन है तो यहाँ सदर में ऑटम सीजन है यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होता है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च और ट्वेंटी थर्ड सेप्टेंबर दस यू फाइंड दैट देर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ़ द अर्थ रिस्पेक्टिवली इस तरह से हम uh, देख सकते हैं कि अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण जो डे नाइट हैं वो होते हैं और जो आपके सीजन में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे जो अर्थ के मोशंस हैं वो डे नाइट को इफ़ेक्ट करते हैं और जो सीज़न है हमारे चेंज होते हैं ओके आ, इसी के साथ आ, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है होप सो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें Please subscribe our channel of ed Fun Classes. Thank you for watching.